शुरू हो गई। बोलो सांचे दरबार की जय। अब देखो जनता निकल निकल के आई है, बड़ा मुश्किल से इनको बड़ा मुश्किल से निकाला है, ये तो तैयारी नहीं हो रहे निकलने के लिए। अब देखते हैं, अभी तो इनके अंदर बहुत ताकत है, अभी दो घंटे बाद दिखाऊंगी इनकी ताकत कैसी होगी। बैटरी डिस हो जाएगी या हो सकता है चार्ज बढ़ जाए। अरे नहीं भैया के दरबार में कबड्डी खेलते हुए जाएंगे, कबड्डी खेलेंगे ये देखेंगे। अभी अभी सब चलना शुरू हो गए और अभी तो दिन है थोड़ा थोड़ा, तो देखते हैं कैसी चढ़ाई होती है सबकी। ये देखो पीछे सारे लोग पीछे आ रहे हैं, और जब तक दिन है तब तक वीडियो शूट करूँगी, रोशनी रहेगी तब तक वीडियो शूट करूँगी, और जैसे ही रोशनी ख़त्म हो जाएगी फिर तो वीडियो उतनी उतनी शूट हो पाएगी, ज़्यादा नहीं होगी वापसी, तो कोई बात नहीं वापसी में करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है और टिकट भी जल्दी है तो लौट के भी जल्दी जाना है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को फुल एंजॉय कराएंगे, फुल सब कुछ दिखाएंगे। ये चढ़ाई शुरू हो गई हमारे, ये अभी तो यहाँ पे ऑटो ऑटो ही खड़े हैं। देखो ब्रेक नहीं है, इनके गियर पड़ जाए तो इन बैठने के ब्रेक लगत ना, ढलान ज्यादा है ना, करें क्या बेचारे, ढलान है। देखो पीछे मैडम भी इनकी भागती आ रही है बैग डाल के। अरे भैया एक धक्का लगा ना तो नीचे पहुंच जाऊंगी। देखो ये उषा देवी का सुपुत्र ये भी चला रहा है। मैं तो सारे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, भैया बोलो, बहना बोलो, भाभी बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई बहना छुड़िया, जोर से बोलो, रोटी ना खाई। डंडे से चल रहे हैं। अब यहाँ पे हो रही है टिकट चेक, तो अभी टिकट चेक करवा दें, टिकट चेक करवा के मत खींचो, चलो टिकट चेक करवा दें अभी। पसीना पसीना हो गया, चढ़ाई बहुत मुश्किल है और हम शॉर्ट गए, शॉर्ट रास्ते से नहीं गए, हम जा रहे हैं चढ़ाई करते हुए बाणगंगा की तरफ से। तो बाणगंगा की तरफ चढ़ाई बहुत है, चढ़ते चढ़ते हैं पापड़े बन रहे हैं। देखो फोटो खिंचाने के लिए जगह, और मेरी पूरी जनता आगे चल रही है मुझसे, मैं सबसे पीछे, मेरे से नहीं चला जा रहा, पसीना पसीना हो गया। थोड़ी देर खड़ी हुई थी यहाँ पर और बाकी सब लोग निकल चुके हैं, अभी हम उन लोगों को पकड़ते हैं जाके, और अंधेरा हो चुका है अभी, इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सिर्फ रोशनी रोशनी में दिखाई देगा, तो जैसा भी है दिखाएंगे आपको, कोई बात नहीं। ये तो परेशान हो गए, ये बड़े बूढ़े इनको थोड़ा सा रेस्ट कराना जरूरी है, धीरे 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 सब चले जाएंगे। ये भैया भी है इधर, तो मैं इनकी इंचार्ज हूँ, ये भैया को सबको आराम आराम से लेके पहुँचूंगी वहाँ पे, कोई चिंता ना करो, लेकिन ये अकेले रह जाएंगे तो थोड़ा सा इनको ऐसा फील होगा, परेशान थोड़ा सा रेस्ट करके। आप देख सकते हो नीचे का नज़ारा, ये देखो नीचे का नज़ारा क्या है,
ऐसे लग रहा नीचे दिवाली है, तो आप देख सकते हैं नीचे ऐसे महसूस हो रहा है कि नीचे दिवाली है ना, जबरदस्त महसूस हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी दिवाली पे भी इतना चमक नहीं होती है जितनी अभी चमक है। कहाँ तक का नज़ारा दिखाई दे रहा है देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं, कुछ उतर के आ रहे हैं, और अभी मैं तो जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा शूट करने के लिए रुकी थी यहाँ पे कि आप लोगों को शूट करके दिखाऊं कि हम कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं। तो अभी मैंने दिखा दिया और मैं अभी निकल रही हूँ, फिर अभी आगे दिखाती हूँ। देखो पीछे का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और सारे लोग सीढ़ियों से गए, मैं इधर से जा रही हूँ क्योंकि मैं सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकती, मेरे को घुटनों में प्रॉब्लम होती है, तो मैं जा रही हूँ प्लेन रास्ते से। तो अभी वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। देखो ये पीछे से सब लोग जा रहे हैं, डंडा में भैया डंडा तरह का ऑटो लें डंडा तरह का ऑटो लें। ये पूरी जनता पार्टी थक चुकी है, अब इनको चाहिए चाय क्योंकि टाइम हो गया 10 से 10:15 के फिर हो रहा होगा। कितना टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है अंजलि? 10:15 10:15 वही मैंने बोला था कि 10:15 का टाइम हो गया। यहाँ पे सर्दी भी लग रही है सबको, तो थोड़ा 24 आ गई, चाय वाय पियेंगे तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा इन लोगों को, है ना। चाय पी ले फिर देखते हैं, अभी चाय के लिए सब लोग रुके हुए हैं इधर। देखो चाय पी ले फिर देखते, अभी सब लोग चाय पी नहीं, चाय के बाद में चाय पी ले, छोटे छोटे बच्चे और बच्चे खा भी जाते हैं पूरा खा लेते हैं। आप लोग भी चाय पी लो, टाइम हमारा तो 10:30 होने वाला है, नहीं है चाय बढ़ जाए, मजे आ गए, चाय अच्छी है। यहाँ पर खा रहे हैं सुबह के बाद से चावल, ठीक है, इससे हमारी कल की पूरी अच्छी है। मैंने तो इतने से दाने खाए मेरा तो मुंह खराब हो गया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। संजू भाई खाने पहले देखो, आपने बोला इससे तो अपना खाना रखा हुआ अच्छा है, पैसे भी दे रहे हो और खाने के बाद में मने कर रही है पहले खाने आते। मैंने तो एक चम्मच खाई वो भी बहुत मुश्किल से पानी से ली ली है, पैसे भी डालो और ये चावल भी खाओ, ऐसे क्या करें, ऊपर है भीड़ है वो तो सब। ये देखो इधर देखो, ये लड़कियां लगी खाना खा खावा खा खावा खा, कम खा कम कम खा। दर्शन हो चुके हैं सबके, तेरी तरफ कैमरा है देखो सब दर्शन कर करके आ गए, ये सारी भीड़ खड़ी है, ठीक है, ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ, देखो सब दर्शन कर करके आ गए कि दर्शन हो चुके हैं। और मैंने तो ऑलरेडी 3 बार 2 बार दर्शन किए हैं, 1 बार अंजलि राजा का प्रसाद चढ़ाया है और भैया का, और 1 बार मैंने अपना दोनों लोगों का, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कहीं व्यवस्था जहाँ घंटे 2 घंटे आराम कर सकें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, वो सारी रात नहीं चल सकते हैं, इसलिए अभी बच्चों को देखते हैं क्या कराना है, कहीं ना कहीं इंतजाम करते हैं उनका, कुछ बिस्तर वगैरह कुछ लेंगे, कंबल वगैरह, तो उनको थोड़ा देर आराम कराएंगे कहीं धर्मशाला में, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे। अभी भैरव बाबा की पूजा नहीं की है, भैरव बाबा की चढ़ाई अब बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाद में देखते हैं झूला से जाएंगे और किसी से पता करते हैं तो उसके बाद होगी। तो अभी हम यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, देखो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, यहाँ पर आके तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह निकली कब शाम हुई, देखो यहाँ तो सुबह ही रहती है असल में,
बहुत अच्छा लगता है। चलो जय माता दी। हम रात गुजार रहे हैं इस होटल के अंदर। देखिए कुर्सियाँ जितनी भी थी सब टेबल के नीचे करवा दी और थोड़ी थोड़ी अपनी जगह बना बना के लोग कम्बल डाल दिया, कम्बल को डाल डाल के और थोड़ी थोड़ी सी जगह बना बना के सभी लेट गए। थोड़ा थोड़ा आराम कर कुछ लोगों के पास कम्बल भी नहीं है तो वो बेचारे अपनी कुर्सियों पर बैठ बैठ के रात काट रहे हैं। मजबूरी और चले गए कम्बल भी लेके नहीं गए। हम तो देखते हैं क्योंकि दो घंटे भी 3 घंटे आराम मिल जाएगा तो बहुत है। बादल बहुत तेज है, बिजली तड़ कर रही थी। कुछ हो सकता है आपकी वीडियो में आवाज़ आ रही हो बिजली कड़कने की, बिजली कड़क रही है बहुत तेज। मनी जय माता की। अभी सुबह हो गया है और हम सब लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पालकी की टिकट के लिए। हम पालकी से ऊपर जाएंगे अभी उसकी टिकट के लिए लाइन लगी हुई है तो हम लाइन में खड़े हुए हैं। सत्य को पूरी भीड़ खड़ी हुई है और अभी मैं आपको बैग दिखाती हूँ। ये माता रानी का दरबार है, आप देख सकते हो अच्छे से। ये माता रानी का दरबार है, वहीं से ये चढ़ाई हो रही है। दरबार के ठीक सामने हम खड़े हुए हैं पालकी के लिए। तो यहाँ से लेते हैं उड़न घटोना बजाते घूमने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं क्या सुहाना मौसम है। और सर्दी बहुत है आज, बहुत सर्दी है। रात को भर बारिश हुई है, बहुत सर्दी हो रही है अभी। ठंड के मारे लोग बेड शीट ओढ़ ओढ़ के आए, तो कुछ लेके नहीं आए, फिर बेड शीट ओढ़ ओढ़ के खड़े। मट्टी खराब हो गई। चलो अब आगे भैरव दिखाते पेड़ कितने अच्छे लग रहा है। शूटिंग करने का मन कर रहा है ना, देखियो कैसे पेड़ हैं। ये पेड़ पकड़ पकड़ के चढ़ गए ना तो पहुंच जाएंगे थे भैरव बाबा को मंदिर पे। आ रहा हूँ बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है। हाँ चलो चलो बैठो, मत जिस गए बहुत चढ़ाई है यार। भाई पालकी तो मिली नहीं, अब पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। और भैरव बाबा की चढ़ाई तो आप लोगों को पता ही है, बहुत भयंकर वाली चढ़ाई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पालकी मिली नहीं है। हवा चल रही है तो हवा की वजह से पालकी का मन कर रहे हैं, बोला पालकी का कोई पता नहीं है, पालकी चले और नहीं चले। तो हम तो लाइन में लगने के बाद में फिर लाइन से निकल गए, कोई बात नहीं है। अगर भैरव बाबा की इच्छा है कि पैदल ही आए तो पैदल ही जाएंगे, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। देखो नीचे कितना नीचा रह गया, हम कितनी चढ़ाई कर रहे हैं। हाथ पांव कीर्तन कर रहे हैं, फोटो जरूर खिंचाएंगे। हाँ अभी सब लाइन में खड़े हैं, भैरव बाबा की लाइन पकड़े हुए हैं। देख देख कितनी देर में नंबर आता है। नीचे सिटी देख तक के चलियो, गिर ना जाइयो। हाँ जो हो रहे हमारे दर्शन। अच्छा आपके कोई बोले भैरव बाबा की जय। भीड़ में बड़े आनंद आ रहे हैं, बड़े आनंद आ रहे हैं। इधर से इधर, इधर से इधर, ढक्के खाते रहो, खाते रहो, चलते रहो, यही माता रानी का आशीर्वाद है। सर्दी लग रही है बहुत, मैं तो आज शॉल खाए देखो, अपनी शॉल निकाल ली थी, शॉल उठ गई है मेरे तो। और
इसको तो ये तो बहुत थकान हो गई है इस लड़की को, तो इसका तो चेहरा उतर गया, परेशान हो गई है। तो देखो कहाँ तक नहीं रहे, देखो इधर हम बीच वाली लाइन में चल रहे हैं, अभी हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमारी जनता पार्टी आ रही है दौड़ती दौड़ती, नीचे देख देख के आना भैया। मैं सबसे कह रही हूँ पर मैं ही गिर सकती हूँ, मैं खुद ही देख लूँ नीचे पहले। देखो पीछे से ना माता रानी धक्का लगा रही है, भागो यहाँ से। बोल साचे दरबार की जय, बोल माता रानी की जय। देखो पहाड़ पहाड़ पहाड़, और इधर हो रही है धूल धूल धूल, पूरे में धूल ही धूल। अब देखो ये हेलीपैड बना हुआ है, इसमें हेलीकॉप्टर भी, वो देखो ये लाल और एक पीला, दो हेलीकॉप्टर हैं। ये कटरा से लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है। बड़े वाह, ये देखो ये चल दिया, अब ये लेके जाएगा यहाँ से सवारी। नहीं जाते तो उतार जाते हैं, होंगी नहीं लेके भी जाता है यहाँ पे, होंगी नहीं अभी लेके भी जाता है। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज ना आई जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, प्यार से बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की, बहना बोलो जय माता की, आगे बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, आवाज ना आई जय माता की, बहना सुनिया जय माता की, अरे आवाज ना आई खाना न खाए का बोल साचे दरबार की जय। देखो एकदम रात हो गई है यहाँ पे, एकदम पूरे में धुंध छा गई है और बारिश होने लग गई है। तो अभी हम बारिश में उतर रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर से पड़ रही है नहनी नहनी बूंदियाँ और हम जा रहे हैं नीचे धीरे धीरे, बारिश होने लग गई है। अब क्या करें ये पता नहीं है अभी। हेलो भैया, ओ तेरी, मैं तो टक गई उसमें वीडियो के चक्कर में, हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी, गंभीर बुरी नहीं गंभीर। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम हो गया। चेहरे उतार गए सब, देखो ऊषा सबके चेहरे खराब हो गए। कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने लायक जगह थी लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है अब रुकने के लिए क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। अगर वक्त होता तो जरूर रुकते और पूरा दिखाते आपको, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखा सकते। इसमें अंदर खाने के लिए जिसको खाना खाना है खा सकता है, और ये पूरा घूमने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है मजबूरी है क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो गया तो अब हमें निकलना है। जल्दी जल्दी में पड़ गए और ट्रेन भी निकल गई, ट्रेन भी मिली नहीं, तो अभी ट्रेन हो सकता है लेट आएगी। 4:30 बजे का टाइम दिया ट्रेन का, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं तो खाना वाना खिला के फ्री करते हैं सब लोग। और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, पैरों से चला नहीं जा रहा बिल्कुल। और यहाँ पे सब सबकी थालियाँ लग रही हैं, अभी मेरे दांत में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने आज शूट नहीं कर पाई वीडियो को। मैंने वहीं जब उतर रहे थे तभी शूट कर पाई, फिर उसके बाद नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, देख रही है पूरा चेहरा सूज गया है इधर से, बहुत परेशान हूँ। आप देख सकते हो मेरा चेहरा उतर गया है बिल्कुल, दवा पूरी मिली नहीं है, उधर गए थे लेने के लिए लेकिन मेडिकल बंद है, तो अभी सुबह लूँगी दवा। मेरी हालत बहुत खराब है, ये देखो सुन रहा है। अभी हम पठानकोट पहुंच गए, पठानकोट स्टेशन पे हैं अभी,
और सुबह देखते हैं। मैं तो सोच रही कि दोपहर में ही निकल, ये क्या बोलते हैं, रात को ही निकल जाऊं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या करूंगी। मैं तो सोच रही कि दोपहर में चले जाऊं, अरे रात में चले जाऊं। रात में ट्रेन है 2 बजे झेलम एक्सप्रेस, उसी से सीधी चली जाऊँगी। इन लोगों को छोड़ जाऊँगी, ये लोग घूमेंगे, इनको आज कल नगरकोट वगैरह घूमना है। मेरे बस की बात नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखती हूँ तो संजू पीछे पड़ रहा है कि नहीं जाओगी नहीं जाओगी, पहले मैं अपनी तबीयत के बारे में सोचूँगी, फिर देखती हूँ क्या करेंगे।